जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में जो कि हमारी है हिमाचल प्रदेश के खेलों से जुड़े हुए सवाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के उठाए गए क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली आपको ये इन वन लाइनर क्वेश्चंस का जो है बहुत ज्यादा लाभ होगा एग्जाम्स में। तो ध्यान से सुनिएगा इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस किस प्रकार से रहेंगे हमारे वन लाइनर की फॉर्म में, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान इंटरनेशनल, ठीक है, तो वो कौन सा है? तो इंटरनेशनल है आपका धर्मशाला का HPCA, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है जो कि धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंतर्गत आता है। ये तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको पता है कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर है वो भी धर्मशाला ही है। इसी प्रकार से चौधरी चरणजीत सिंह जो 1964 में टोक्यो ओलंपिक में हॉकी के कप्तान थे, वे किस जिले से थे? मतलब चौधरी चरणजीत सिंह जो हैं वो कहां से या कहां के रहने वाले हैं या किस जिले से जुड़े हुए हैं? तो वो जिला है ऊना। आपने कमेंट करके बताना है कि ये ऊना में से कहां से हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में जरूर आपको ये क्वेश्चन करवाया। अगर नहीं देखी है तो कृपा करके पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट आता है शिमला में यूएस क्लब यानी कि यूनाइटेड सेना क्लब कब स्थापित हुआ? तो 1844 में जो है ये स्थापित हुआ है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है जो 9 छंदों या छेदों वाले गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि 9 होल कोर्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 9 होल कोर्स, जो कि नालदेहरा इसका सही आंसर रहेगा और ये शिमला में है। बहुत बढ़िया जी, आपका आंसर बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के साथ साथ में आंसर भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शिमला में है ये नालदेहरा, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों का स्कूल, हवाई खेल होते हैं जी पैराग्लाइडिंग, तो पैराग्लाइडिंग का जो स्कूल है वो कहां पर है? मंडी में है, ये ढेलू जगह है और ये कहां पर है? जोगिंदर नगर में। कहां पे है? जोगिंदर जोगिंदर नगर, ठीक है जी। कहां पर है जी? जोगिंदर नगर के पास है। ढेलू एक गांव का नाम है, छोटा सा प्लेस है। और ग्रेट खली का क्या नाम है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट खली बहुत ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जो कि रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, कुश्ती से जुड़े हुए हैं, देखिए WWE से जुड़े हुए हैं और बहुत फेमस हैं। ये दिलीप सिंह राणा है और दिलीप सिंह राणा इनका पूरा नाम है ग्रेट खलीका और घरीना सिरमौर के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? घरीना सिरमौर। नेक्स्ट आता है निशानेबाजी में विजय कुमार, विजय कुमार किस जिले से हैं? तो ये भी कहां से हैं? हमीरपुर से हैं। तो आपको ये भी लास्ट वीडियो में मैंने करवाया है, मोस्ट क्वेश्चंस जो है मैंने प्रोबेबल आपको सभी करवाए हैं। शिलारू खेल जो है मैदान हिमाचल प्रदेश एस्कॉट मैदान के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसे कहां पर है? तो शिमला में स्थित है। कहां पे है? शिमला में स्थित है जी, ठीक है जी। धाविका सुमन रावत को हिमाचल प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला है? तो मिला है पशुराम। कौन सा मिला है? पशुराम। और 1987 में सबसे पहले पशुराम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? सुमन रावत। कौन थे जी? सुमन रावत ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको पहला पुरस्कार मिला है पशुराम, याद से रखिएगा। और इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम जो है वो कहां पर है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है वो कहां पर है? वो है शिमला में स्थित है। कहां पे है जी? शिमला में स्थित है। अब ये है हमारा स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव का वन लाइनर के बाद। आप इनको ट्रायल जरूर लगाइए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और
ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बन सकते हैं, ये डेमो क्लास भी समझ सकते हैं, उस वे से भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आगामी आने वाले पेपरों के लिए जो है कुछ ही चंद महीने रह गए। कौन सी ट्रॉफी या कप 1888 में शिमला के अन्नाडेल मैदान में शुरू हुई? दिलीप ट्रॉफी, डेविस कप, वेलिंगटन कप या डुरंट कप 1888 में? सभी अपना अपना कमेंट जो है वो दे सकते हैं। क्या आंसर रहेगा? ए बी सी डी, चार ऑप्शंस हैं, तो डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, डुरंट कप जो कि एशिया का पहला कप जो है यहीं पे खेला गया है, यही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। अगला सवाल, कुफरी और नारकंडा ये जो जगह है ये किसके लिए प्रसिद्ध है या किस लिए प्रसिद्ध है? घुड़सवारी, पोलो, फुटबॉल मैच या शरदकालीन खेल यानी कि शीतकालीन खेल? बताएं जल्दी से, कुफरी और नारकंडा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर रहेगा शीतकालीन खेल, यानी कि सर्दियों में स्कीइंग की जाती है, स्केटिंग की जाती है जूम करके, ठीक है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है, ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली कौन था? ओलंपिक में हॉकी टीम का नेतृत्व किसने किया था? कौन थे कप्तान? हमारे चरणजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, विश्वजीत सिंह या अजीत सिंह? कमेंट कर सकते हैं आप, वीडियो में शेयर करिएगा साथ साथ में। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वो है चरणजीत सिंह, और आपको मालूम है ये ऊना से रहने वाले है ना जी, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया जी, नेहा जी, इंदिरा गांधी खेल परिसर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? इंदिरा गांधी खेल, अभी मैंने अभी ये हो चुका है, सोलन है, धर्मशाला है, शिमला है, ऊना है। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वो है बी ऑप्शन शिमला। बी ऑप्शन शिमला जो है वो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से ये मोस्ट इम्प्रोबेबल क्वेश्चंस जो है वो हो रहे हैं और इनको आपने तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट खली हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? किन्नौर, सोलन, सिरमौर या शिमला? तो बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, सिरमौर, सिरमौर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, शमशेर जंग किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, निशानेबाजी, एथलीट्स या पर्वतारोहण? सभी आंसर कमेंट कर सकते हैं, ए बी सी डी, शमशेर जंग। तो सही आंसर है सी ऑप्शन, निशानेबाजी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया आंसर सभी के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट, चायल किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे ऊंचा जलप्रपात हिमाचल का सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश के लिए यानी कि जगह के लिए, सबसे ऊंचा सेतु या डी सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान? सभी कमेंट करिएगा और बताइएगा आप कौन से जिले से जो है बिलोंग करते हैं और वहां से वीडियो देख रहे हैं, जरूर बताइएगा। क्या आप सोलन से हैं? तो ये है सोलन का सबसे ऊंचा चायल क्रिकेट मैदान, यहां पर रणजीवी ट्रॉफी खेली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरणजीत सिंह जो कि 1964 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, वो कहां के निवासी थे, कहां के रहने वाले थे? भैया कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉकी टीम के कप्तान है, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर या मंडी? तो सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, करेक्ट आंसर है सी, ऊना, ऊना के रहने वाले हैं चरणजीत सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चल रहा है, सभी आंसर साथ साथ में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दीपक ठाकुर किस खेल से जुड़े हैं? दीपक ठाकुर किस खेल से जुड़े हैं? बच्चों सभी को आंसर अच्छे से देना है, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी? क्या आंसर रहेगा? करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वो है आपका डी ऑप्शन हॉकी। डी ऑप्शन हॉकी आपका सही आंसर रहेगा, हॉकी बिल्कुल इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों। अगला सवाल, शिमला जिले में 9 होल गोल्फ कोर्स, फिर से रिपीटेड कोर्स बन जाता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, 9 होल कोर्स रोड, ठीक है, गोल्फ का है, तो ये कहां पर है? ठियोग, मशोबरा, सुन्नी या नालदेहरा?
आप ए बी सी डी आंसर दे सकते हैं। सी ऑप्शन नहीं आएगा जी, नाल दे रहा डी ऑप्शन, बहुत ही अभी ही मैंने दिया था ये, इसका आंसर पहले ही ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बस पूछने का तरीका बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश के राज्य का खेल क्या है? राज्य खेल क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फुटबॉल। सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, वॉलीबॉल। हिमाचल का राज्य का जो खेल है, राजकीय खेल, वो सी वॉलीबॉल है। कविता ठाकुर किस खेल से संबंधित हैं? स्क्वैश, हॉकी, कबड्डी या वॉलीबॉल। क्या आंसर रहेगा? ए बी सी डी, चार ऑप्शंस होती हैं। आप सभी का आंसर जो है बहुत अच्छे से सावधानी से और ध्यान से दीजिए। करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, कबड्डी से ये जुड़े हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित चायल जो क्रिकेट मैदान है, ये कौन से जिले में स्थित है? चायल जो ये क्रिकेट मैदान है, ये कौन से जिले में है? शिमला, बिलासपुर, सोलन या किन्नौर। वीडियो को शेयर जरूर करें। बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सोलन इसका सही आंसर है, सोलन में है ये। कांगड़ा जिला में बिलिंग, जो बिलिंग घाटी है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? स्कीइंग, आइस स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग या वाटर स्पोर्ट। क्या ये वाटर स्पोर्ट है? और आप अगर वीडियो देख रहे हो, आपको पता होगा कि बिलिंग जो है वो अंतरराष्ट्रीय यहां पर जो है प्रतियोगिता होती है, तो किस चीज की होती है? वो है सही आंसर पैराग्लाइडिंग। कई बार ऑप्शन में आपको हैंग ग्लाइडिंग आ सकता है, पर आपने आंसर जो है याद रखिएगा, हैंग ग्लाइडिंग या पैराग्लाइडिंग, कोई भी ऑप्शन हो टिक लगा दीजिएगा। अगला सवाल, जिला शिमला के किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है? फिर से सही सेम सवाल रिपीट हो रहा है, नालदेहरा में स्थित है। कहां पे है? नालदेहरा में स्थित है। अगला जो ये हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नया हिमाचल प्रदेश का, और मैं इसी प्रकार से जो है आपके लिए नया टॉपिक अगली क्लासेस में लेकर आऊंगा, और आपने वीडियो को जरूर देखना है, और दोनों वीडियोस जो हैं वो देख लीजिएगा पूरी की पूरी। हमारा जो है ये सीरीज आपकी कवर कर रहे हैं हम हिमाचल जीके की, जो कि एचपी टैट और साथ में एचपी पुलिस और पटवारी के लिए पूरा कंबाइंड, बहुत ही अच्छे से क्लासेस को हम कंटिन्यू दे रहे हैं, और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप दिए गए नीचे नंबर पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।